दोस्तों थोड़ा सा भूल हुई और पूरा दूध जो है उबाल चले गया। तो अभी मैं हूँ मार्केट में। तो दोस्तों यहाँ पर देखो कितना मस्त पनीर बनके तैयार हो चुका है। मेरा सेठ साहूकार है, तू ही मेरा सेठ साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना प्यारे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का फिर से एक बार न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जानकी जोशी, उत्तराखंड से, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट हल्द्वानी से। और आज की ब्लॉगिंग की स्टार्ट हो रही है 10:30 बजे से। तो अभी 10:30 हो गया है और मैं कर रही हूं नाश्ता। आज नाश्ते में मैं खा रही हूं सिंपल से घी से बना रखे हैं पराठे, उस पर नमक डाला है और उसको दूध के साथ खाने वाली हूं। आज मेरा मन ना सब्जी खाने को बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो दूध के साथ आज पराठा खा रही हूँ। मेरी सासू माँ खाते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनको देख के, और इसलिए मेरा मन भी कर रहा है आज दूध के साथ पराठे खाने का। नाश्ता वगैरह हो रहा है, बाकी सब काम कंप्लीट हो चुका है। कपड़े धो दिए, झाड़ू पोछा, पूजा पाठ, किचन का पूरा कंप्लीट काम, बच्चे स्कूल गए हैं। तो अभी 10:30 बजे अब मेरा नाश्ता हो रहा है। बाकी आगे का ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, आप मेरे साथ बने रहें। तो चलिए मैं करती हूँ नाश्ता। ये देखिए दोस्तों थोड़ा सा भूल हुई और पूरा दूध जो है उबाल चले गया। ये काना के चक्कर से हुआ है, तेरे चक्कर से हुआ है ये सब। बात कर रहा था, तेरे बातों में रह गई मैं, पूरा दूध उबाल चले गया। एक मिनट में ही तो चले गया पूरा दूध। तो अभी मैं हूँ मार्केट में और मंडी में हूँ, सब्जी मंडी में। यहाँ से मैंने पनीर ले लिया है और अब मुझे कुछ सब्जियाँ लेनी है यहाँ से, और थोड़ा फल लेना है। बाकी फिर मैं जाऊँगी घर को, फल लेने हैं, फूल लेने हैं, उसके बाद घर जाऊँगी। तो उसके बाद मार्केट में आई हूँ और अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है बाज़ार में, देख सकते हैं आप। तो मुझे थोड़ा सा फल फ्रूट लेना है, उसके बाद मैं निकलती हूँ घर। फूल भी ले लिए हैं यहाँ पर से। तो दोस्तों यहाँ पर मैं मार्केट से आते हुए रास्ते में देखा कि एक बच्ची ना यहाँ पर रस्सी में करतब कर रही थी, तो मुझे इसको देख के ना बहुत ज़्यादा दया आ रही थी और मैंने यहाँ पर रोक के इसको पैसे भी दिए। और तो दोस्तों अभी मैं घर आ गई हूँ और ये सामान लेके आई हूँ बाजार से। फूल हैं और ये केले हैं, प्लस इसमें क्या है, इसमें क्या है, जो वो बतासे, बतासे नहीं है, क्रीम है, इसमें क्रीम है, क्रीम। और ये टेबल के लेके आई हूँ, टेबल वाला पुराना हो गया था, टेबल को नया लेके आई हूँ, क्रीम वाली। और एक कंबल लेके आई हूँ, सीसी क्रीम, हाँ सीसी क्रीम है। तो 2:30 बज चुका है दोस्तों, 2:30 बज गया है और अभी फिर से सर में भार, सर भारी हो गया हवा से गाड़ी में जाना। और हाँ चूड़ी भी पहन के लाई मैं, ये देखिए चूड़ी भी पहन के लाई हूँ। और अभी पर्स भी नहीं उतार रखा है गले से, मैं पर्स उतारती हूँ, खाना नहीं खा रखा, खाना खाती हूँ। तो दोस्तों अभी हो गया शाम का टाइम, मैंने संध्या का टाइम हो रखा है अभी, और मैंने अभी जस्ट किचन साफ कर रखा है, पूरा क्लीन हो रखा है किचन। देखिए दिन भर ना बच्चे बहुत ज़्यादा गंदगी कर देते हैं दिन में खाना बनाने के बाद, उसके बाद चूल्हा चौका हो जाता है, फिर भी ये लोग ना कभी जूस बनाते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो पूरे छीटे वीटे पार देते हैं। उसके बाद अभी मैं पूरा किचन क्लीन करती हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। तो किचन साफ हो जाए उसके बाद खाना बनाओ तो अच्छा भी लगता है और सही भी रहता है। तो अभी मैंने किचन पूरा साफ कर दिया, काउंटर टॉप आप देख सकते हैं पूरा क्लीन हो चुका है, और अब मेरी हो रही खाना बनाने की तैयारी। आज खाने में बना रही हूँ मटर और पनीर की सब्जी। तो पनीर के लिए मैं आज मटर बॉईल करने वाली हूँ, और कई बार मैं कुकर में करती हूँ, कुकर में बॉईल करके ना मटर खराब हो जाती है, वो उसका कलर भी खराब हो जाता है और प्लस उसमें ना वो फूट जाते हैं दाने। तो आज मैं इसको इस डोंगे में रख के बॉईल कर लेती हूँ मटरों को, और उसके बाद मैं जा रही हूँ अभी दिया जलाने के लिए। 7 बज गया है, दिया बत्ती का टाइम भी हो रहा है, उसके बाद करूँगी खाने की तैयारी। तो मटर रख जाती हूँ बॉईल करने के लिए, और बच्चों को बैठाती हूँ किताब पढ़ने, थोड़ी देर अभी टीवी देख रहे हैं, बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे अभी 6:30 बजे तक उन्होंने ट्यूशन पढ़ा, अभी थोड़ा टीवी देखने बैठे हैं, उसके बाद वो किताब पढ़ने के लिए बैठेंगे। थोड़ा सा पानी डाला हुआ है, ये धीरे धीरे बॉयल अपने आप होते रहेंगे, गैस बिल्कुल कम कर दूंगी और हल्की गैस में ये अच्छे से बॉयल हो जाते हैं। हरी जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना ओ प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, ही मेरा सेठ साहूकार है,
तू ही मेरा सेठ साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना ओ प्यारे, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना ओ प्यारे। हरि जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना, लागे लगन मत तोड़ना ओ प्यारे, लागे लगन मत तोड़ना ओ प्यारे। प्रभु जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना। नदिया गहरी नाव पुरानी, नदिया गहरी नाव पुरानी, बीच भवर मत छोड़ना ओ प्यारे, बीच भवर मत छोड़ना ओ प्यारे। हरि जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, लागे लगन मत तोड़ना ओ प्यारे, लागे लगन मत तोड़ना ओ प्यारे। हरि जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना, लागे लगन मत तोड़ना ओ प्यारे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आटा गूंथ दिया है और ये लोई बनाने के लिए आटा रखा हुआ है और मटर भी बहुत बढ़िया से उबल गई है, बॉईल हो गई है। देखो कलर कितना अच्छा आ रहा है ना, और ये देखना हाँ, ये देखो पूरी गल गई है ये देखिए, और बढ़िया हो रखी है। अब इसका बढ़िया सा मटर पनीर बनाएंगे, और मटर पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर प्याज नहीं वो टमाटर, और मैंने इसमें ना आज बादाम पीस दिए हैं। तैयारी तो पूरी हो चुकी है, अब मैं बनाती हूँ पनीर के लिए। यहाँ पर कढ़ाई रखती है मैंने, आलू की कढ़ाई मैंने बना ली दोस्तों, आज बनाऊंगी एल्यूमिनियम की कढ़ाई में, और बच्चे पढ़ रहे हैं अंदर। मेरा मन कर रहा है कि अभी नहीं बनाऊं, क्योंकि अभी टाइम ज्यादा नहीं हुआ है, टाइम देखती हूँ कितना हो रहा है, क्योंकि फिर अभी बना दूंगी ना, वैसे 8:30 होने वाला है, बना देती हूँ क्योंकि होने वाला है टाइम खाने का भी, फिर लेट हो जाता है। कल मुझे कहीं जाना है, वो ब्लॉग आपके लिए रहेगा सरप्राइज, कहाँ जा रही हूँ करके, और बहुत बढ़िया ब्लॉग होने वाला है दोस्तों, मिस मत करना। और चैनल पर जो पहली बार है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी, और वीडियो को अभी लाइक कर दो, फिर आप भूल जाते हैं। तो कल होने वाला है बहुत मस्त, पहाड़ी वादियों में जाने वाली हूँ मैं फिर से, और बहुत प्यारा सा ब्लॉग होने वाला है। आप सबके चहेते हैं जहाँ मैं जा रही हूँ, और सभी उनको पसंद करते हैं, तो कल मैं जाऊंगी वहां पर, और आप वो ब्लॉग मिस मत करना दोस्तों। तो अभी करती हूँ मैं खाने की तैयारी, अब बात नहीं करती हूँ ज्यादा, बात करूंगी तो फिर खाना लेट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखो कितना मस्त पनीर बनके तैयार हो चुका है, बस इसमें अब धनिया की कमी है, धनिया डालती हूँ। और आज इसमें ना बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, मटर हैं, बादाम हैं, और पनीर है, मलाई है, तो बहुत सारे आइटम इसमें पड़े हुए हैं। और थोड़ा सा ना तरी वाला बना रखा, क्योंकि मेरे काना को ना तरी वाला पनीर अच्छा लगता है, मेरे को गाढ़ा पनीर अच्छा। कभी तू गाढ़ा बोलता, कभी तू पतला बोलता, तो एक जवान नहीं है क्या तेरी? मेरे को सबसे अच्छा गाढ़ा एक दिन गाढ़ा बनाया था, उस दिन तूने बोला आज पतला क्यों नहीं बनाया, इसकी बातों पर मत जाना दोस्तों, ये बहुत ज्यादा मास हो रहा है। तो पनीर बनने वाला है, अब मैं बनाऊंगी रोटियां, और आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करूंगी दोस्तों, और ब्लॉग का एंड भी करना है। तो कल के ब्लॉग के लिए आप लोग बने रहना, बहुत अच्छा सा ब्लॉग आने वाला है कल, और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और जो न्यू है चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं कोई अच्छी सी वीडियो के साथ कल,
तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और ये देखो इतनी ठंड हो रही है, जिससे बर्फ खाने लग गया है। और नहाले बोलो, नहाने का मन नहीं कर रहा है इसका, और फ्रिज से बर्फ निकाल के खा रहा है। करते हैं एंड ब्लॉग का, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।